लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के अकलाबाद हसनपुर स्थित अबू हुरैरा डिग्री कॉलेज में किया गया वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के मौके पर कई वार्डों के पार्षद सहित थाना रामगढ़ इंचार्ज भी रहे मौजूद। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, मनुष्य जीवन को बचाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, और इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद के अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। और क्या कहा वृक्षारोपण के बारे में वार्ड पार्षद और कॉलेज प्रबंधक आलम मुस्तफा याकूबी ने, देखिए हमारी संवाददाता रीना खान के साथ यह स्पेशल रिपोर्ट। ये दृश्य अबू हुरैरा गर्ल्स इंटर कॉलेज का है जो हसनपुर में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हरियाली फैली हुई है। यहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मैं अंदर जाके देखती हूँ कि किस तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगे। मैं अपने सहयोगी से पूछूंगी ये पेड़ किस चीज का है पौधा, और कैमरामैन ये पौधा किस चीज का है? गेंदे का पौधा है। और भी यहाँ किस तरीके के पौधे लगे हुए हैं? और काफी पेड़ पौधे हैं, कई फल के सब्जियों के भी हैं, लगा रहे हैं और भी ऐसे पेड़ जिसकी जरूरत हमको लगती है और महसूस होती है कि भाई हाँ ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं, वो हमने यहाँ लगाए। किस तरीके से आप समाज को एक अलग आयाम दे रहे हैं, एक अलग संदेश दे रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज में लोगों को इस तरीके से पौधारोपण करना चाहिए? देखिए, जो आदमी जिंदगी गुजार रहा है उसके लिए एनवायरनमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम सबको फिक्र करनी पड़ेगी। खाली शासन प्रशासन के जरिए अच्छी योजनाओं के आने के से ही खाली नहीं अच्छा होता है। जब इंसान खुद इंडिविजुअली ये सोचे कि हमें एनवायरनमेंट अच्छा करना है, माहौल अच्छा करना है, तो वो अपने घर को साफ रखेगा, अपनी गली को और मोहल्ले को साफ रखेगा, और फिर ऐसे पेड़ पौधे लगाकर हरियाली होगी, और जब हरियाली होगी तो फिर खुशगवार हवा में इंसान जिंदगी गुजार सकेगा। इसलिए हमें आपके माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि सारे समाज के लोग बगैर किसी धर्म और जाति के उठकर सबकी जिंदगी के लिए ये काम करें, और ये एक अच्छा काम है। और इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत सवाब का काम और नेक काम है। इसको खैर का काम बताया गया है क्योंकि इससे जिंदगी की हिफाजत होती है। आप किसी मतलब टीम या तरीके से हमने आपको दिखाया कि पौधारोपण जीवन के लिए कितना जरूरी है, कितना अहम है। उसी कड़ी में यहाँ अबू हुरैरा में एक एरिया पार्षद जी भी यहाँ मौजूद है, और हम उनसे जानते हैं कि आखिर पौधा लगाने से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और कितना जरूरी है पौधा लगाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अंसारी, वार्ड नंबर 66, 30 फुटा रोड से मैं पार्षद हूँ। जैसे कि आज आप अबू हुरैरा स्कूल में आए हैं पौधारोपण करने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी अभी मौलाना ने पौधों को लेकर तफसीली गुफ्तगू की है, और ये पौधे जो है एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ सरकारें भी बड़ी कोशिश करती हैं, लेकिन हम सब जनता का भी फर्ज बनता है कि इन पौधों को लगाएं। जैसे धीरे धीरे समाज में पौधे कम होते जा रहे हैं, उससे समाज बहुत इफेक्ट हो रहा है, बीमारियों में गिरता जा रहा है और तमाम परेशानियों में गिरता जा रहा है। ये पौधे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ें प्रदान करते हैं। और रही मौलाना साहब की बात, मौलाना साहब ने हमेशा शिक्षा के मैदान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 3-3 कॉलेज दिए हैं, बच्चियाँ पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा में उन्नति होगी। और ये एक काम, इन्होंने 300 जो पौधे लगाने का लक्ष्य है,
अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उनको मैं इसके लिए एक अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ।